नमस्कार दोस्तों, आज देखिए आरओ प्लांट का मेम्ब्रेन वास जो होता है, जिसको सर्विस लोग कहते हैं, सैट्रिक एसिड से सफाई जो होता है मेम्ब्रेन वास, कोई 1500 लेता है, कोई 2000 लेता है, कोई 3000 लेता है, उसी का मेम्ब्रेन वास का एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो 110% ये वीडियो सही है। अगर आप लोग इसको देख के करते हैं तो कर लेंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम अगर होता है अपने आप से, आप उस काम को करते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछें, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा, या वीडियो में कमेंट करें। एकाएक फ़ोन करेंगे तो उसका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत भी सही नहीं चल रहा है, और एकाएक किसी काम में कोई फंसा रहता है तो कैसे जवाब दे पाएगा फ़ोन का। लेकिन जवाब जरूर दिया जाएगा, समझाया जरूर जाएगा। अब देखिए, ये पाइप है, ये भी पाइप है, ये भी पाइप है, तीन टुकड़े हैं, पाइप का छोटा छोटा काट लिया है। अपने प्लांट के हिसाब से आप काट सकते हैं। एक एल्बो है, ये टी है, एक इंची का ये वाल है, ये भी एक इंची का ये वाल है। इतना मटेरियल हो गया। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए पहले तो हम यहीं पर जोड़ लेते हैं। एक इंची के वाल में ये पाइप लगा लिया हमने, फिर इधर से एक इंची का पाइप लगा लिया, फिर ये ऐसा बन गया, फिर हम एल्बो लगा लिए और एल्बो के नीचे एक ऐसा पाइप लगा लिए, हमारा ऐसा सेटिंग तैयार हो गया, ऐसा सेटिंग तैयार हो गया। अब इस दो चीज बच गया, यहाँ पे सुलेशन से भी साट सकते हैं और बिना सुलेशन का भी टेम्प्रोरी इसको रख सकते हैं, लेकिन सुलेशन रहेगा तो कोई डर भय नहीं रहेगा। कम से कम यह इस वाल तक तो सुलेशन तक साथ ही लेना चाहिए आदमी को। अब चलिए, वो प्लांट है, उस प्लांट में प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे वो लगा नहीं है, बन के तैयार है, लेकिन उसी प्लांट पे आपको हम बताएंगे कि ये कैसे लगेगा और कैसे सर्विस होता है, कैसे सर्विस होता है। आ जाओ, प्रेशर पंप के पहले ही इस जुगाड़ को लगाया जाता है। इसको जुगाड़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग भारत में जुगाड़ते ही काम करते हैं। देखिए, ये पाइप यहाँ पे ऐसे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ये काट करके यहाँ पे काटेंगे कि हाई प्रेशर पंप और बाउल के बीच में जो पाइप होता है, इसको काट करके इस टी को यहाँ पे जोड़ देंगे, अंदर घुसा लेंगे, फिर इसको ऐसे जोड़ लेंगे। तो सपोज करिए कि ये बराबर में ये पाइप हो गया, सपोज करिए कि ये बराबर में पाइप हो गया, और ये टी, एक और टी हम काट करके यहाँ पे जोड़ लेंगे, जो जब सर्विस करेंगे, जिस समय सर्विस किया जाता है उस समय पे इस वाल को, अब चूंकि पकड़ना नहीं बन पा रहा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर वाल लगा के परमानेंट रखा है, मशीन चल रहा है उस समय पे वाल ये ऐसे ही सीधा खुला रहेगा। ये पाइप के पैरेलल में ये नीले रंग का है, ये खुला रहता है, ये पानी खींचेगा, पानी बनाएगा, लेकिन जब सर्विस करना होता है तो इस वाल को हम लोग क्लोज कर लेते हैं, ये वाल ऐसे क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये वाल बाहर मत समझिए, समझिए कि पाइप में फिट है, लगा हुआ है, ये बिल्कुल लगा हुआ है, ऐसा दिमाग में लगा के रखिए आप। और ये वाला आप ऐसे स्टिक को भी ऐसे यहाँ पे लगा के रखिए, समझिए कि लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो जब सर्विस होगा तो ये खुला हुआ है और ये बंद है, देख रहे हैं ना, और ये जो मुंह है नीचे ये वाला देख रहे हैं, ये बाकेट में पड़ा है, पड़ा रहेगा बाकेट में, पड़ा रहेगा, बाकेट का मतलब बाल्टी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये टेम्प्रोरी बाल्टी ठीक है हमारा, इस डस्टबिन कोई बाल्टी बना लेते हैं, डस्टबिन कोई बाल्टी समझ लीजिए, सैट्रिक एसिड है, ऐसी सैट्रिक एसिड से लोग साफ करते हैं। ये शक्कर के लेवल में होता है, देखिए ये चीनी टाइप का है, लेकिन सैट्रिक एसिड से मेम्ब्रेन वास होता है। आप लोग कोई अगर इस काम को कराए होंगे, किए होंगे, देख करके जान गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताने का काम इसलिए कर रहा हूँ कि और आपका समय, दूसरा कोई परेशान कर रहा है तो परेशान नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको ये बताने का काम कर रहा है। तो ये बाकेट मान लीजिए खुल गया, बाकेट खुल गया, और यहाँ पे आपने सपोज करिए कि यहाँ पे वाल आपने लगा लिया है पहले से, और ये वहाँ यहाँ पे लगा हुआ है, सफाई करना है,
इसमें साइट्रिक एसिड और पानी डाल करके और घोल करके इस वाल को बंद कर लेंगे और यहाँ से पानी पकड़वा कर हाई प्रेशर पंप को इसमें साइट्रिक एसिड घोल लेंगे, यहाँ से चालू करेंगे तो ये पानी लेना चालू हो जाएगा, पानी लेना चालू हो जाएगा। अब वो पानी जा कर के रिजेक्ट से कैसे गिरता है, इधर आ जाओ, देखिए ये रिजेक्ट का पाइप है, जहाँ पे वाल लगा है ये वाल लगा है, इसके ऊपर वाला पाइप रिजेक्ट पानी का होता है, मेम्ब्रेन से सीधा पानी इसी रिजेक्ट से आता है। तो जब सर्विस करते हैं तो इस वाल को एकदम बिल्कुल खोल देते हैं, बिल्कुल खोल देते हैं इस वाल को, ये काफ़ी टाइट वाल है, देखिए सीधा खुल गया। अब वाश करने के टाइम में वैसे ही एकदम बिल्कुल सीधा रहेगा, वाश जब किया जाएगा तो बिल्कुल ये वाल सीधा रहेगा। अब देखिए ये पाइप इधर से मेम्ब्रेन से रिजेक्ट पानी आएगा, रिजेक्ट पानी आ करके इस पाइप से नीचे जा रहा है, बेसन के साइड में देखिए जा रहा है, और यहाँ पे ये इसका मुँह है, दिखाओ बाबू ये पाइप का मुँह, यहाँ पे दिखाओ, देखिए ये बैकवाश का पाइप और रिजेक्ट का पाइप एक ही में जोड़ दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे यहाँ से लूज पाइप लगाइए या टाइट पाइप लगाइए, लूज ही पाइप सही आता है, लूज पाइप लगा करके और उस बाकेट में गिरा दीजिए, और जिस समय सर्विस होगा दिखाइए, जिस समय सर्विस होगा उस समय सिर्फ हाई प्रेशर पंप चलता है, जिस समय सर्विस किया जाता है इस समय सिर्फ हाई प्रेशर पंप का बटन दबाते हैं, सिर्फ हाई प्रेशर पंप का रिसाइकल होता है मेम्ब्रेन में। वाल खोलना पूरा कभी ना भूलें, ये जो रिजेक्ट पाइप का वाल होता है ये पूरा फ्री रहता है, क्योंकि पानी इधर से केमिकल का पूरा पानी पूरा फ्री लेता है और पूरा फ्री पानी उधर से जा करके और लूज पाइप से इसमें गिरता है, लूज पाइप का पूरा पानी गिरता है, वाल इसलिए बिल्कुल पूरा फ्री होना चाहिए, उसमें वाल में कोई वो कमी नहीं रहती। और छोटा मोटर तो बिल्कुल चलाना ही नहीं है, छोटा मोटर जो होता है उधर जो बगल में छोटा मोटर लगाया जाता है उसको तो छूना ही नहीं है, सर्विस में सिर्फ और सिर्फ हाई प्रेशर पंप का काम होता है। पहले यहाँ पे जो दिखाया है हमने ऐसा वाला सिस्टम आप बनाइए, बाकेट में डालिए, वाल लगाइए, इसको इसमें मार्केट में टॉयलेट क्लीनर का मतलब हैपिक नहीं, जिसमें स्मेल हो नहीं, एसिड तेजाब डालिए, साइट्रिक एसिड वो शक्कर टाइप में है जो चीनी टाइप में नमक टाइप में उसको डालिए, डाल करके घोल बनाइए, घोल बना करके और इसको हाई प्रेशर पंप से पानी पकड़वा करके, हाई प्रेशर पंप से पानी पकड़वाने से पहले रिजेक्ट का जो पानी है इस पाइप का रिजेक्ट का जो पानी है उसको पाइप में जोड़ करके ला करके इसमें डाल दीजिए और हाई प्रेशर पंप को चला दीजिए, आधे घंटे सर्विस करिए, आधे घंटे सर्विस के बाद से 10 मिनट वेट करिए, फिर से आधे घंटे इसको सर्विस कर लीजिए, आपका मेम्ब्रेन वॉश हो जाएगा, कोई आपसे चीटिंग बार्गेनिंग नहीं कर सकता है, आपका काम हो जाएगा, किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ आपका ये फ्लोमीटर है, घबराने की जरूरत नहीं है, फ्लोमीटर में सिर्फ आपका पानी रिजेक्ट वाटर में इसमें दिखाएगा, इसमें पानी नहीं दिखाएगा, वाल जब खुला रहेगा तो इसमें रिजेक्ट नहीं दिखाएगा, पीने वाला पानी में पानी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, इसमें पूरा सरसर पूरा पानी आएगा और रिटर्न होके जाएगा, इसमें पानी आएगा रिटर्न होके जाएगा। जब सर्विस आप 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा कर लेंगे तो क्या करेंगे, इस काम को फिर से बंद करेंगे, जिस तरह से वाल था उसको बंद करेंगे, बंद करने के बाद से उस वाल को स्लो बंद करेंगे, इधर आ जाओ, वाल का नाम ले रहा हूँ तो उधर खड़ा है, स्लो बंद करेंगे, क्योंकि ये वाल बंद होता है तभी फिल्टर वाला पानी धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है, ये वाल का बहुत बड़ा रोल होता है, इतना बड़ा रोल होता है कि वाल फ्री रहेगा तो मेम्ब्रेन नया भी लगा देंगे तो पानी निकलने वाला नहीं है, ये वाल को फिर से नचा करके और धीरे धीरे इसको बंद करेंगे।
धीरे धीरे बंद करेंगे। यही आरओ का प्रोसेस है, मेम्ब्रेन वॉश करने का प्रोसेस है। बाकी आप कमेंट में पूछिए या वीडियो कॉल करके पूछिए, जो समझ में आता है वो पूछिए, आपको बताया जाएगा। नमस्कार।